आद्यम पुराण नव यौवनम च, तो वो सबसे आदि पुरुष है ना, उनका कोई खोज नहीं है, उनका कोई ये नहीं पता कर सकता है कि वो कब आए थे, तो वो आदि पुरुष है। आदि अनादि सर्व कारणम का, तो वो अनादि काल से, और आद्यम पुराणम नव यौवनम च, तो सबसे आदि पुरुष है फिर भी वो हमेशा नव यौवन, तो ये भगवान की विशेषता है। तो इसी वजह से हम देख सकते हैं कि भगवान जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में थे तो उनके पर पोते भी हो चुके थे, है ना, पोते के बेटे भी हो गए थे, तब भी वो भगवान जो थे 16 से 20 साल के उम्र के जो जवान होते है ना, उस तरह से वो दिखते हैं, और वो कभी भी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं करते। लेकिन हमारे साथ क्या है, हम जो है हमेशा अपना शरीर बदलते रहते हैं, लेकिन भगवान जो है उनके शरीर में कोई बदलाव नहीं होता है। और भगवान क्या है, भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाले, लेकिन जो हम जीवात्माएं हैं वो भूत वर्तमान भविष्य को नहीं जानते। कुछ क्षण के लिए हम जो वर्तमान में हो रहा है उसका कुछ हमें ज्ञात हो सकता है, या भूत में जो कुछ हुआ है उसको कुछ चीजों को हम ले सकते हैं, लेकिन हूबहू क्या हुआ था, है ना, आज से 10 साल पूर्व क्या कर रहे थे इसी समय में, तो ये निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों ये निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि हम शरीर चेंज कर रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ वो चेंज का कॉन्सेप्ट नहीं, भगवान शरीर चेंज ही नहीं कर रहे। तो जब शरीर चेंज करते हैं तब हम जो है अपना जो कार्य है उसको भूल जाते हैं, लेकिन भगवान के साथ क्या है, वो कभी शरीर चेंज ही नहीं करते, तो फिर उनको विस्मृति होती नहीं, है ना। इस तरह से जीवात्मा जो है वो हमेशा विस्मृति में जाता है, और भगवान जो है वो हमेशा शाश्वत रूप से सभी कालों के बारे में ज्ञात है। और आगे भगवान बोल रहे हैं, स्वामधिष्ठाय शंभवामि आत्ममाया। तो भगवान जो प्रकट हो रहे हैं वो किस तरह से प्रकट हो रहे हैं, वो अपने प्रकृति के द्वारा अपने प्रकृति के अंतर्गत रह के वो स्वयं की इच्छा से प्रकट हो रहा है। लेकिन जब हमारा केस है, हमारा जो स्थिति है उसमें हम क्या है, हम प्रकृति के द्वारा फोर्स, हमें प्रकृति फोर्स कर रही है, बांध बलपूर्वक हमें यहाँ ढकेल रही है। क्यों, क्योंकि हमने विगत में कुछ कार्य किए हैं जिसके अनुसार हमारा कुछ प्रारब्ध बना है ना, और उस पुण्य और पाप के अनुसार हमें अपने कार्यों के अनुसार ये शरीर जो है मिला है। लेकिन भगवान के साथ क्या है, भगवान जो है हमेशा उनके अधीन ये प्रकृति है, और वो अपने अहित की कृपा की वजह से यहाँ पे भगवान जो है प्रकट हुए, वो प्रकृति के द्वारा बाधित नहीं, प्रकृति उनमें उनको फोर्स नहीं कर रही है कि आप जन्म लो, है ना। इस तरह से भगवान जो है उनका जो जन्म है वो जो है सामान्य नहीं है, और वो प्रकृति के नियंता है, और उनके शरीर उनके गुण में कोई अंतर नहीं है ना, उनका स्वरूप में। तो इस तरह से इस श्लोक में भगवान के दिव्य स्थिति के बारे में बताया है, और आगे भी श्लोक क्रमांक 7, 8, 9, 9 और 10 में ये भगवान जो है अपने दिव्य स्थिति के बारे में बताएंगे, और इन दिव्य स्थिति में रह के, इन दिव्य स्थिति को समझ के, भगवान की स्थिति को समझ के कैसे लोग जो है वो ये भौतिक जगत जो है
उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं इसके बारे में भी पता है ना। तो इस तरह से ये दिव्य ज्ञान है जो पहला 10 श्लोक में भगवान बता रहे हैं। उसके बाद भगवान बताएंगे कि कैसे इस दिव्य ज्ञान में, कोई दिव्य ज्ञान को नहीं समझ पाया, इस स्थिति में नहीं आया, तो फिर वो कैसे व्यवहारिक रूप में उसमें लगे, अपने स्तर से, अपने स्थिति से कैसे वो भगवान की सेवा में लगे, इसके बारे में भी चर्चा हुई है आगे। तो आप लोग अगर भगवद्गीता का अध्ययन कर रहे हैं तो आप इस अध्याय को पढ़ सकते हैं और आरंभ से पढ़ना चाहिए, है ना। तो भगवद्गीता को अपने जीवन में आप लाइए, है ना, हरे दिन थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिए, जिससे ये जो महान ग्रंथ है उससे हम अपना जो वास्तविक मूल जो खोज है सबको ये आनंद के लिए प्रयास कर रहे हैं, है ना। और आनंद जो गुण है वो आत्मा का है ना, सच्चित आनंद। तो उस स्थिति में हमें फिक्स होने के लिए, आनंद के लिए हमें क्या जानने की आवश्यकता है ना, आनंद हमें कैसे मिल सकता है, तो ये भगवद्गीता शास्त्रों में दे दिया गया है। तो इन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उस आनंद को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में हमें व्याख्या मिलेगी। और इसको जो है ये भगवद्गीता का अध्ययन जो है हम केवल घर में बैठ के, एकांत में बैठ के तो नहीं कर सकते, हम इसे साधु संघ में रह के उसके विषय में चर्चा करके तो ही हम समझ सकते हैं। तो ये ज्ञान अर्जन की बात नहीं है, ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लगाना, भगवान की सेवा में जब लगाएंगे तो वो ज्ञान जो है विज्ञान के रूप में बदलेगा, नहीं तो ये केवल ज्ञान जो है हमें किसी और तरफ से, किसी और तरफ ले जाएगा, वो भगवान की भक्ति में लगने के लिए। इसीलिए भगवान के भक्तों में के संग में आइए, भगवान के लिए कार्य कीजिए, भगवान से जुड़े बहुत सारे कार्य हैं, इस केंद्र को चलाने के लिए बहुत सारी गतिविधियां होती है, तो इन सब में भी आप जुड़िए, है ना। और जैसे प्रवचन होता है तो उसको सुनिए, और उसमें कोई संदेह है तो उसे पूछ सकते हैं आप। और नियमित रूप से जो पढ़े लिखे हैं वो भगवद्गीता का अध्ययन कर सकते हैं, है ना। भगवद्गीता जो है ये ऐसा शास्त्र है जो सब कोई पढ़ सकता है, ये बहुत ही सुलभ है और बहुत ही सरल बना दिया गया है श्रील प्रभुपाद के अहितु की कृपा से, है ना। इससे पूर्व जो इसमें टिप्पणियाँ थी वो इतना जन सामान्य के लिए उतना अच्छा नहीं था कि वो उतने अपने स्तर से समझ सके, लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से ये जन सामान्य को दिया गया है, तो आप सभी इसका लाभ उठाइए, है ना। और जहाँ भी समस्या है तो चर्चा कर सकते हैं, या फिर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो भगवान की सेवा में लगेंगे तो उससे समझ में आएगा, है ना। तो कुछ समझ में नहीं आता है तो उससे हमें परेशान होने की आवश्यकता है, है ना, कि ये समझ जो है वो, ये जो भगवान का विषय है वो सत्वगुण से ऊपर के विषय है ना। तो इसे हमें एटलीस्ट सत्वगुण में हम आएंगे, जैसे जैसे हमारे तमोगुण और रजोगुण से हम ऊपर जाएंगे तो हम सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, है ना। और अगर अभी इस स्थिति में है तो हम भगवान के व्यवहारिक सेवा में लगे और धीरे धीरे हमारा क्रमशः हम अपनी चेतना को ऊपर उठाएं, सत्वगुण में लाएं, है ना। इस तरह से तो हम भगवत तत्व विज्ञान को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं विराम लूंगा, आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। भगवान का हेतु की कृपा इस श्लोक के संदर्भ में, तो इस श्लोक में बताया गया है संभवामि आत्ममायया। तो भगवान का जो प्राकट्य है वो उनकी अहेतु की कृपा से वो प्रकट हो रहे हैं। भगवान को यहाँ पे आने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन वो हमारे बद्ध स्थिति को देख के, है ना, क्योंकि हम सभी भगवान के अंश ही हैं, है ना। लेकिन जो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई पिता है और उसका पुत्र है, तो पिता का कहना ना मान के वो कुछ अपना अलग रास्ता बनाना चाहता है,
तो पिता तो उनको एक मतलब उसकी स्वीकृति नहीं है, लेकिन ठीक है अभी करना है तो करो, राइट, इस तरह से वो स्वीकृति दे देते। तो इसी तरह से भगवान जो है हमें स्वीकृति दे दी, राइट, और उनकी अहित का इस तरह से है कि उन्होंने उनकी स्वीकृति मतलब दे दी है ना। एक तो हमारी भगवान हमारे पिता की जो इच्छा है उसकी इच्छा उसके अनुसार मेरी इच्छा नहीं, और दूसरा उनके अनुसार इच्छा नहीं है फिर भी उन्होंने पूरा जुगाड़ दिया है ना, ये भौतिक जगत पूरा बनाया है ताकि हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकें। तो ऐसे वेदों में क्या है, कर्मकांड है ना, जैसे कि यहाँ पे छिन्नमस्तिके के मंदिर है तो वहां पे क्या होता है, नगर है वहां पे क्या होता है, हम अपने कुछ हमारी जो होती है आवश्यकता होती है उसको हम अब क्या बोलते हैं, मन्नत मांगते हैं या फिर शब्दों में गच्छ लेते हैं, राइट, और गच्छने के बाद वो हमारी मान्यता पूरी हो जाती है, मांग पूरी हो जाती है, तो हम वहां पे कुछ भेंट अर्पित करते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये जो भी प्रोसेस है ये वेदों के अनुसार है। तो जब इस तरह से लोग आदान प्रदान करेंगे तो वो धीरे धीरे जो है वो समझेगा कि इसमें कुछ है नहीं, इसमें बहुत सारा नियम करना पड़ता है और जो मैं भोग कर रहा हूँ वो बहुत कम है ना। तो इस तरह से जो वेदों में भी भगवान ने जो दिया है, भगवान ने बहुत सारी इंद्र तृप्ति को दे दिया है, आप इससे अच्छे से इंद्र तृप्ति करें, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा दबाव भी डालें। जैसे क्या होता है कि बच्चा होता है, बच्चा जो है वो दवाई नहीं लेना चाहता, तो माँ क्या करती है उसको घोल के थोड़ा उसमें है ना थोड़ा शुगर मिला के चीनी मिला के उसको पिला देती है। तो उसी तरह से भगवान ने ऐसी व्यवस्था दी है, ये भी भगवान के अहित, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये भगवान के अहित के पास। और उसमें बीच बीच में कि आध्यात्मिक जगत में क्या चल रहा है, भगवान राम के राज्य में अयोध्या दुःशासन अयोध्या धाम है उसमें क्या सौंदर्य है, तो वो होम अयोध्या को प्रकट और उसमें वो सभी लीलाओं को करें ताकि हमें इसका एक झलक मिले कि भगवान कैसे होते हैं, भगवान का ऐश्वर्य कैसा है और हम उनसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो वो जो है सब कुछ अहित के, भगवान तो भगवान इस तरह से हमेशा अहित की कृपा करें, और सबसे बड़ी बात है कि वो हमारे हृदय में बैठे, वो परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं और हमारी सभी इच्छाओं को जानते हैं, और वो हमारी इच्छाओं को जान के हमें दूसरा जन्म दे ताकि हमें कोई ऐसी इच्छा ना रह जाए जो भगवान से विमुख होने होके भोग करने की इच्छा है।